बस वो गिनाई वीडियो और दो चाचा एफ का मतलब होता है इधर फुल और ई का मतलब है टी मतलब खाली पता है तेरे को हेलो हेलो तो हम जा रहे हैं चिकरी मेले को और वहां पर केला भी ले गए जब कम पेट्रोल होता है तब जब ज़्यादा पेट्रोल होता है तो ये था हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी हिमाचली ब्लॉग रंजना ठाकुर। तो आप सभी को लग रहा होना कि हम तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं आज फोजल कापू। तो फोजल में ना माता ज्वाला है, तो माता ज्वाला का मेला लगा है आजकल, तो फोजल कापू बोलते हैं उस मेले को, कापू मेला है वो। तो अभी जा रहे हैं हम यहाँ से, अभी शाम के लगभग 5:30 होने वाले हैं, तो अभी जा रहे हैं हम शाम के टाइम ही जा रहे हैं हम, तो दिन को हम नहीं गए थे, तो अभी शाम को जा रहे हैं हम। बच्चे स्कूल से आ गए थे और उसके बाद जा रहे हैं हम तैयार हो के अब फोजल, क्योंकि ना जकड़ी बुलंग और फोजल रूंगा यहाँ पर मनाया जाता है, फोजल कापू। तो यहाँ 3-4 जगह पर मानते हैं, क्या होते हैं माता जी को, फोजल जो ज्वाला माता है ना उनको मानते हैं इन 3-4 गाँव में। बाकी तो मानते हैं तो हम भी हैं, मगर असली जो घर है वो इन जगहों पर है माता जी का। तो फिर जकड़ी में रहते हैं मेरे छोटे ससुर जी, तो उनके घर जा रहे हैं हम। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं डूबी में, ये है डूबी वाला पुल जो पुराना है, तो हम नए पुल होके आए। तो ये देखिए जो बाज़ार है डोबी का वो दूसरी साइड रह गया, तो अभी हम यहाँ क्या बोलते जकड़ी रोड से निकल गए हैं, तो यहाँ से आ गया सीधा जकड़ी आएगा, तो हम जा रहे हैं जकड़ी अब इस टाइम पे। तो आर्दिका और आर्दिका के पापा गए हैं उनकी दादी अम्मा को लाने, मतलब मेरी सास माँ को लाने, तो मैं ऑडिशन यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो अभी हम मंदिर से वहाँ जाएंगे, माता ज्वाला का जो मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो आज है मेला, मेले को आए हम जकड़ी में। तो आज है माता ज्वाला का मेला, तो आज है 15 मई और आज लगता है कापू मेला। हम आए हैं कापू मेले में, माता ज्वाला का मेला है ये कापू मेला। तो अभी जाएंगे हम वहाँ पर माता के मंदिर में, तो चलिए अभी थोड़ी देर में वो आएंगे, क्योंकि हम जिप गैरत नीचे जैसे पहुँचे बोला, तो बस शनि पापा ला रहे हैं और फिर चले जाएंगे हम। तो अभी तक आरती का और उसके पापा और आम जी वगैरह नहीं आए हैं, तो अभी हम दोनों आराम आराम से चल रहे हैं। तो अभी पर जैसे रुकेंगे उनके लिए थोड़ी ऊपर जैसे, तो चलिए चलते हैं। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। आपने बोला ही नहीं हमने भी आना। अब आप चले गए अकेले के लेना। हाँ तब अच्छी चाह। जय माता दी, जय माता, जय माता दी जी। हमारे ब्लॉगर थे तो जम आता बंद ना ते दुई बैग गलती ना संगे रु। जय माता दी। हेलो, बड़े मजे कर रहे ना अकेले अकेले। सही पे तो लाई दे बेटा, चले चलो चलो। तू बोलो मम्मी रुक बोलती ना, बोलो तू चला।
तो ये देख लीजिए दोस्तों, अभी हम मंदिर के वहाँ पहुँच चुके हैं। तो जहाँ पर हमने गाड़ी रखी रोड में, तो वहाँ से मंदिर तक का रास्ता 10-15 मिनट का है पैदल रास्ता। तो ये जो मंदिर है ना, वैसे तो माता जी के दो मंदिर हैं, एक है फो जलगांव में और एक है यहाँ पर मतलब खेतों के बीच में। पहले यहाँ पर पूरे एरिया में धान लगता था, मतलब जो लाल चावल नहीं आपको मिलते हैं खाने को कहीं कहीं, वो लगते थे यहाँ पर। तो अभी तो पूरे में सेब के पेड़ ही हैं। तो ये देखिए, ये है क्या बोलते हैं, मेले की रौनक, बहुत ज़्यादा लोग थे मेले में। तो अभी जा रहे हैं हम माता जी के दर्शन करने। यहाँ पर 3-4 देवता थे, हरि नारायण, देवता नारायण, माता ज्वाला और विष्णु देवता, सब दर्शन कर लिए हमने। कुछ बोलेगी और कुछ? बैंड दिलाई गई, बैंड दिलाई गई, चल कौन? अच्छा अच्छा, दोनों साथ बैठते हैं। ये
शेरी रे ले तू अभी खींचू तो देख लीजिए दोस्तों, अभी क्या बोलते हैं सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद और मेला देखने के बाद अभी जा रहे हैं हम वापस जकड़ी। तो अभी हम चले, ये आगे आगे मेरी सासु माँ है, उसके पीछे मेरी छोटी सास है, तो पीछे से हम भी चले हैं। तो ये देखिए अभी पहुँच चुके हैं हम जकड़ी में। पहले तो हम तीन चार जगह पे ऐसे गए मतलब लोगों के घर में, तो और उसके बाद आए हम, ये है मेरे छोटे ससुर जी का घर। तो यहाँ पर आए हम रोटी खाने, और रोटी खाने के बाद लगभग रात को 10 बजे चले गए थे हम वापस घर। करो कमेंट कुछ। तू कितने शुरू बोले हाँ वो एक वो अंकल